हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखिए एसीपी साहब, एक रिसर्च साइंटिस्ट के लैबोरेटरी में थेलियम नाइट्रेट होता ही है, इसमें क्या बड़ी बात है? स्मिता जी, आप जरा अंदर जाइए, हमें आपके पति से कुछ बात करनी है। आइए। देखिए एसीपी साहब, ये मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। किसी ने थेलियम नाइट्रेट चुराकर फिर से डिब्बे को सील कर दिया। हाँ, लेकिन चाबी तो आप ही के पास होती है ना गगन साहब। एसीपी साहब, मैं मानता हूँ कि आपको इंक्वायरी करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दो और दो पांच कर दें। आप मुझे सिर्फ एक कारण बताइए कि मैं अपर्णा को क्यों मारूंगा। हाँ, वैसे तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप अपर्णा को क्यों मारेंगे, क्यों आपका उससे क्या वास्ता? हाँ, मैं उसे मारूंगा ही क्यों? क्योंकि आपको उसे मारना ही नहीं था, आपका टारगेट था स्मिता, आपकी वाइफ। What? हाँ, ये हम नहीं, आप ही की वाइफ कह रही है। ओह, तो बात यहां तक पहुंच चुकी है। मैं मानता हूं कि मैं स्मिता को डिवोर्स देना चाहता हूं, पर मैं उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर गगन, सोचने वोचने की बात अब बहुत पीछे रह गई है, एक खून हो चुका है। मैडम देखिए एसीपी साहब, अगर मैं आपकी जगह होता तो तीन बातों पर जरूर ध्यान देता। अच्छा, इंटरेस्टिंग, वो क्या? एक, मैं एक हफ्ते पहले से ही मुंबई में नहीं हूं, तो मैं थेलियम कैसे मिलाऊंगा? एक हफ्ते पहले ही मिला के गए होंगे। दूसरा, एक हफ्ते में तो लिमोनो में थेलियम का केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, फिर तो कोई उसकी एक बूंद भी ना पी सकेगा। करेक्ट। और तीसरी बात, स्मिता लिमोना पीती ही नहीं। पी नहीं है? जी हाँ, कभी नहीं पीती, उसे एरेटेड ड्रिंक से नफरत है। आपने उससे ये बात क्यों नहीं पूछी और उसने आपको ये बात बताई क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि असली टारगेट मैं था सर, मैं। जाने से एक दिन पहले लिमोना की बोतल मैं लाया था, थेलियम मेरे लिए मिला गया था सर, मैंने पिया नहीं, निकल गया, बच गया। उसे लगा वापस आएगा, पिएगा और मर जाएगा, और उसने सर सपने में भी ये नहीं सोचा था कि पुलिस इतनी जल्दी यहां पहुंच जाएगी। सर, गगन के लैब पे जो ताला लगा था उसे हम कटवा के लाए हैं सर। गुड। सर, किसी दूसरी चाबी से या किसी और चीज से ताला खोलने की कोशिश नहीं की गई है सर, वरना अंदर के लीवर से पता चल जाता था। ये देखिए सर, यहां, ये देखिए सर, यहां इस लीवर पे कहीं कोई निशान नहीं है सर, कोई डैमेज नहीं है सर, इसी चाबी से ताला खोला गया है। सर, इसका मतलब है डॉक्टर गगन ठीक कह रहे हैं, अगर चाबी डॉक्टर गगन के वॉलेट में थी तो सिर्फ उनकी पत्नी स्मिता ही ये चाबी निकाल सकती थी, उसने लैब से वो केमिकल चुराया और चाबी वापस रख दी। सर, उसी ने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में जहर मिलाया डॉक्टर गगन के लिए। नहीं, स्मिता तो डॉक्टर गगन को डिवोर्स देना ही नहीं चाहती, तो फिर वो उसे क्यों मारेगी? हो सकता है डॉक्टर गगन ने ही लिमोना में जहर मिलाया हो, चाबी तो हमेशा उसी के पास होती थी सर। हाँ, मगर किसे मारने के लिए? स्मिता तो लिमोना पीती नहीं, और अपर्णा को मारने के लिए डॉक्टर गगन के पास कोई कारण भी तो नहीं। मतलब सर, खूनी कोई तीसरा ही है जो या तो डॉक्टर गगन को या अपर्णा को मारना चाहता था, और जो जानता था सिर्फ यही दोनों लिमोना पीते। मगर कौन कौन मारेगा इन्हें, किसको इनकी मौत चाहिए थी, और ये चाबी किसने चुराई? मगर चुराएगा कब सर, ये चाबी तो डॉक्टर गगन के पास होती है, किसे इतना वक्त मिला कि लैब खोले, केमिकल चुराए और लैब को फिर से बंद करके चाबी वापस रख दे? मतलब डॉक्टर गगन जब दरवाजा खोल रहा था तो ये चाबी उसके हाथ से गिरी थी, पहले भी एक दो बार ये चाबी गिरी थी उसके हाथ से, और वैसे भी इस चाबी में से एक हल्की सी खुशबू आ रही है। बॉस, लेवेंडर की खुशबू आ तो रही है, फिर भी अगर आपको शक है तो मैं एक केमिकल टेस्ट करके ही देखता हूं। ये चाबी गिरी क्यों? चाबी पे कुछ लगा होगा इसलिए फिसल गई होगी। आप लोग इतनी लंबी थ्योरी बना रहे हो, फिर भी मैं इस चाबी को इस केमिकल में डाल के देखता हूं, जो कुछ भी इस चाबी पर लगा होगा वो इस केमिकल में जाते ही घुल जाएगा। अगर थोड़ा सा केमिकल लगा होगा वो भी? हाँ, वो भी। अब मैं इस केमिकली ट्रीटेड पेपर को इस सॉल्यूशन में डाल के देखता हूं,
अगर रंग बदल गया तो एसीपी साहब सच बोल रहे हैं और सच के सिवा रंग बदल गया इसका मतलब चाबी पर जो केमिकल लगा है वो आम तौर पर पाई जाने वाली कपड़ा धोने की साबुन की टिकिया पे होता है कॉमन बार ऑफ सोप इसका मतलब है सर किसी ने चाबी को साबुन की टिकिया में दबाकर उसकी छाप बनाई और डुप्लीकेट चाबी बनाई मगर कैसे सर चाबी तो हमेशा मेरे पास ही होती है मेरे वॉलेट में हाँ लेकिन कभी तो आप अपना वॉलेट निकाल कर रखते होंगे हाँ सिर्फ रात को लेकिन तब भी वॉलेट मेरे तकिए के नीचे रहता है और सुबह और शाम दोनों बार नहाते वक्त चाबियां और वॉलेट बेडरूम के टेबल पर रहते हैं चाबी की छाप बनाने के लिए इतना वक्त काफी होता है गगन साहब अच्छा एक बात बताइए हाल ही में जब आप नहा रहे थे तो घर में कोई आया था कोई मेहमान दीपा और अपर्णा आया करते शाम को जब मैं घर लौटता तो वो दोनों मेरे घर पे हुआ करती और रंजन अपर्णा के पति क्या कभी वो आपके घर आए थे हाँ कभी कभार वो भी आया करते थे सर वैसे तो हम दोनों कोई खास दोस्त है नहीं पर जब बीवियां दोस्त हों तो पति भी आपस में दोस्त बन ही जाते हैं तो कभी कभार एक आध ड्रिंक उसके साथ भी हो जाया करती थी इनफैक्ट मेरे बैंगलोर जाने से एक दिन पहले ही वो आया था रात को ड्रिंक्स लेते थे और दिन में लिमोना अच्छा जरा वो लिमोना की बोतल लेके आना जो हमें डॉक्टर गगन के घर में से मिली थी सर इसे हम जरा ध्यान से देखते हैं हो सकता है हमें इसमें कुछ मिले वैसे जहर तो है ही इसमें लिमोना द रियल टेस्ट ऑफ लाइम 1.5 लीटर्स बैच नंबर M335 सर डॉक्टर गगन से बात हो गई सर वो अपने घर का सारा सामान उनके घर के पास की एक ही किराने की दुकान से मंगाते हैं महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर बैंगलोर जाने से दो दिन पहले उन्होंने लिमोना की एक बोतल मंगाई थी सर लिमोना बैच M335 डॉक्टर गगन और उनकी पत्नी स्मिता राठौड़ क्या आपके पुराने कस्टमर हैं हाँ जी सर उनका खाता है यहाँ पे है ना वो क्या है कि वो जो भी सामान मंगाते हैं हम लिख कर रखते हैं महीने के आखिर में हम बिल हमको हमारा पैसा मिल जाता है अच्छा तो चेक करके बताइए कि डॉक्टर गगन ने लिमोना की बॉटल आपके यहाँ से आखिरी बार कब खरीदी थी लिमोना की बॉटल जी एक मिनट डॉक्टर गगन ये देखो लिमोना 12 तारीख को उसके बाद लिमोना 16 तारीख को हाँ लास्ट 16 तारीख को ली थी 16 तारीख को यानी डॉक्टर गगन के बैंगलोर जाने के दो दिन पहले हाँ। जरा आपका लिमोना का स्टॉक दिखाएंगे 1.5 लीटर के बॉटल आइए सोलह तारीख को क्या इसी स्टॉक में से एक बोतल डॉक्टर गगन के घर में भेजी हाँ इसी स्टॉक में इस बोतल का बैच नंबर है D110 और जो बोतल डॉक्टर गगन के घर से मिला था उसका बैच नंबर है M335 थैंक यू सर ये रहा महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर वेस्ट मुंबई में अच्छा और मेरे फाइल के मुताबिक पिछले महीने ही बैच डी और बैच ई वेस्ट मुंबई की सारी दुकानें पहुंच चुके हैं कहां पर इस एरिया में और बैच एम बैच एम किस एरिया में नॉर्थ मुंबई में बैच एम नॉर्थ मुंबई में इसका मतलब है कोई नॉर्थ मुंबई से लिमोना की बोतल खरीद कर वेस्ट मुंबई ले गया सर नॉर्थ मुंबई में दो लोग रहते हैं रंजन और दीपा और इन दोनों में से किसी ने आसपास के किराने की दुकान में जाकर बोतल खरीदी उसमें जहर मिलाया और डॉक्टर गगन के फ्रिज में वो जहर वाली बोतल रखकर सारी बोतल निकाल ली सुधाकर पेड्रिक्स रंजन और दीपा के घर के आसपास की सारी किराने की दुकानों को चेक करो और पता लगाओ जब अपर्णा की मौत हुई थी तब इनमें से किसी ने लिमोना की बोतल खरीदी थी क्या यस सर अब आइए अभिजीत सर
तुम दया और आशा दीपा और रंजन पर कड़ी नजर रखो, फॉलो देम वेरी क्लोजली। शायद टैक्सी में बैठेगी वो। जल्दी चलो पीछा करो इसका जल्दी। एक्सक्यूज मी। यस सर। आप इन दोनों में से किसी को जानते हैं? नहीं। ये आपकी दुकान में कभी राशन लेने आए थे? नहीं। ये टैक्सी यहाँ क्यों रुक गई? लगता है किसी क्लिनिक में जा रही है। चलते रहो चलते रहो। ये लोग यहाँ आते हैं क्या? नहीं, नहीं। यहाँ से सामान नहीं लेते? नहीं नहीं, नहीं? नहीं सर। ओ। शायद उस मेडिकल स्टोर में जाएगी। यस। पता है उसने मेस्टोनिन की दो स्ट्रिप्स खरीदी है। वो क्या है? एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन के मरीजों को दी जाती है। डिप्रेशन? दीपा को किस बात का डिप्रेशन हो सकता है? हेलो। हाँ अभिजीत, कहाँ जा रहा है रंजन? बैंड्रा की तरफ? उसके पीछे देखो कहीं जाने न पाए। अरे टैक्सी तो रुक गई। शायद इस होटल में जा रही है। वो देखो अभिजीत सर।
लगता है सर ने भी हमें देख लिया है, वो यहीं आ रहे हैं। लेकिन दया, अभिजीत सर यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दोनों तो दीपा का पीछा करते हुए यहाँ आए थे, कुछ पता नहीं चल रहा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो दीपा का पीछा कर रहे हैं, वो अभी अभी इस होटल में गई है। इस होटल में? जी हाँ। तुम लोगों ने देखा होगा अभी रंजन भी इसी होटल में गया है, मैं उसी का पीछा कर रहा था। सर ये दोनों एक साथ एक ही होटल में? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों रेगुलरली मिलते हो? हो सकता है ये अजीब इत्तेफाक हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है। वो देखिए सर, अच्छा तो रंजन और दीपा एक दूसरे को मिल रहे हैं और दोनों नॉर्थ मुंबई में रहते हैं जहाँ से लिमोना की बोतल खरीदी थी। सर हाँ सुधाकर, ये मुंशी साहब है, आइए। इनकी नॉर्थ मुंबई में किराने की दुकान है। अच्छा, और इन्होंने ही वो लिमोना की बोतल बेची है। साहब आमतौर पर याद नहीं रहता, इतने कस्टमर आते हैं जाते हैं। तो फिर यही कस्टमर कैसे याद रहा? बात ऐसे है साहब, इस कस्टमर को लिमोना की ही बॉटल चाहिए थी, वो भी 1.5 लीटर की। अच्छा, मेरे पास तो माल नहीं था। फिर मैंने कहा लिमो तो लिमो ही है, मगर उसने कहा यही ब्रांड चाहिए। तो फिर मैंने मेरे लड़के को बाजू वाले की दुकान में भेजा और बोला कि लिमोना लेके आ। सर हमने बाजू वाले किराने का सारा स्टॉक चेक किया, सारा स्टॉक बैच नंबर M335 का है। आप उस कस्टमर को पहचान सकते हो? हाँ बिल्कुल सर, इन्होंने इसे पहचान लिया है। क्या यही है? हाँ, ये क्या हो रहा है? वारंट। आप लोग ऐसे मेरे घर में कैसे घुस सकते हैं? सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? लैवेंडर। क्या मतलब? आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गई? आपसे किसने कहा? डॉक्टर कामधेनु पॉलीक्लिनिक, आप वहां गई थी और फिर आपने 2 स्ट्रिप एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स के खरीदे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों, किस चीज का डिप्रेशन है आपको? रिश्ता नहीं जुड़ रहा है कि शादीशुदा आदमी से? क्या क्या कह रहे हैं आप लोग? स्मिता के घर जाने के लिए जब आप अपर्णा को मिलने वाली थी, तब पहले आपने अपने घर के पास वाले किराने की दुकान से 1.5 लीटर की लिमोना की बोतल खरीदी। क्यों? जब आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते ही नहीं, तो फिर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल खरीदी क्यों? बताओ। ये आप लोग क्या बक रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब हमने आपसे रंजन अपर्णा के रिश्ते के बारे में पूछताछ की थी, तो आपने कहा था कि रंजन अपर्णा को चाहता था। रंजन अपर्णा को नहीं, आपको चाहता था। हाँ, रंजन का और आपका कोई रिश्ता है? आप दोनों ने मिलकर अपर्णा को मारा है ताकि उसके मरने के बाद आप दोनों शादी कर सके। ऐसा नहीं है। हाँ ये ऐसा ही है। मैं सच बोल रही हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। रंजन आपके साथ मिला हुआ है। नहीं, रंजन इस बारे में कुछ नहीं जानता है, वो बेकसूर है, वो निर्दोष है। मैं रंजन से प्यार करती हूँ कॉलेज के दिनों से, लेकिन अपने दिल की बात कहने की मुझे कभी हिम्मत नहीं हुई। फिर अचानक कहीं से अपर्णा आ गई और उसने मुझसे मेरे रंजन को छीन लिया। मैंने अपनी आंखों से उनकी शादी होते देखी और मैं चुपचाप खड़ी रही, कुछ नहीं कर सकी। न जाने क्यों मुझे हमेशा से यही लगा कि रंजन मेरा है, सिर्फ मेरा। उसे मुझसे इतनी आसानी से कोई और नहीं छीन सकता, लेकिन रंजन अपर्णा के साथ बहुत खुश था। और आपने कुछ करने की ठान ली, आपने लैब की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और फ्रिज में से जहर चुरा लिया। हाँ, जब स्मिता कमरे से बाहर गई और अपर्णा बाथरूम में, तो मैंने फ्रिज में से लिमोना की बोतल बदल के थैलियम वाली बोतल रख दी और आपकी आंखों के सामने अपर्णा ने वो जहर वाला लिमोना पिया। हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। मैं
मैं पकड़ी गई और अब रंजन कभी मेरा नहीं हो सकेगा। अपर्णा की खून के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।